शेयर मार्केट, जिसे सुनकर कुछ लोग उत्साह से उछल पड़ते हैं और कुछ लोग हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ को ये बहुत मुनाफा देता है, कुछ को नुकसान। बीते दिनों जोमेटो की काफी चर्चा हुई, लेकिन किसी खाने की डिलीवरी को लेकर नहीं, बल्कि उसके आईपीओ को लेकर। लेकिन आईपीओ है क्या? मान लीजिए कोई बिजनेस है, वो अच्छा चल रहा है, अब कंपनी उसे बढ़ाना चाहती है, इसके लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो ये पैसा आएगा कहाँ से? या तो कंपनी कर्ज ले, लेकिन उस पर उसे ब्याज देना होगा। एक दूसरा तरीका ये है कि वो अपने शेयर सार्वजनिक कर पैसा जुटाए। यहीं पर आता है आईपीओ, यानी जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ कंपनी के शेयर की पहली सार्वजनिक बिक्री है। आईपीओ खरीदने वाले लोगों को बदले में कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। आईपीओ लाने के पीछे कई वजह हो सकती है। नई कंपनियां अपने विकास के लिए, पूंजी जुटाने के लिए सार्वजनिक बन सकती हैं। स्थापित कंपनियां अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आईपीओ जारी कर सकती हैं। कुछ कंपनियां अपने व्यवसाय का खर्च चुकाने के लिए भी आईपीओ जारी कर सकती हैं। आईपीओ जारी करने की पूरी प्रक्रिया सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की निगरानी में होती है। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लाने की योजना बनाती है तो उसे सेबी के सभी नियमों का पालन करना होता है। उसे सेबी को आईपीओ लाने के कारणों से लेकर हर छोटी बड़ी बात बतानी होती है। आईपीओ में निवेश कैसे किया जाता है? आईपीओ एक लिमिटेड वक्त के लिए ही खुलता है, यानी 3 से लेकर 10 दिन के लिए एक आईपीओ खुला रह सकता है। जब आप आईपीओ लेते हैं तो आप सीधे कंपनी से शेयर खरीद रहे होते हैं, इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ लेने के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाती है। स्टॉक मार्केट पर शेयर को खरीदा बेचा जा सकता है। स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है। आप तय दिनों के अंदर कंपनी की साइट पर जाकर या रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। आईपीओ का फिर क्या करते हैं? जब आईपीओ ओपनिंग क्लोज हो जाती है तो कंपनी अलॉटमेंट करती है। इस प्रोसेस में कंपनी सभी निवेशकों को शेयर अलॉट करती है और इसके बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। जब तक शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होते हैं, आप उन्हें नहीं बेच सकते हैं। एक बार जब स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाते हैं तो पैसा और शेयर, ये दोनों निवेशक के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं। जोमेटो ने आईपीओ के जरिए करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाए। जोमेटो का 1 रुपए फेस वैल्यू का शेयर 76 रुपए में बिका, करीब 116 रुपए में लिस्ट हुआ और फिर उसकी कीमत 140 रुपए से ज्यादा हो गई। लगातार घाटे में चल रही कंपनी के लिए ये बड़ी बात रही। अब तक के जो सबसे बड़े आईपीओ देखे गए हैं, उनमें से रिलायंस पार, डीएलएफ, आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनियों के आईपीओ रहे। कुछ ऐसी भी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी तक प्राइवेटली ओन्ड ही हैं। खबर है कि पेटीएम अक्टूबर के अंत तक 16,000 करोड़ रुपए के आईपीओ लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा एलआईसी, नाइका, बजाज एनर्जी जैसी कई कंपनियों के आईपीओ भी लॉन्च हो सकते हैं। आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, इसका फैसला आप इस क्षेत्र के एक्सपर्ट से राय लेकर कर सकते हैं।